वहीं लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, 32,624 राज्य कर्मियों का वेतन रोका गया है। संपत्ति का ब्यौरा ना देने पर सितंबर माह का वेतन रोका है। चल अचल संपत्ति का खुलासा ना करने पर यह कार्रवाई की गई है। 30 सितंबर तक सभी को संपत्ति का ब्यौरा देना था, मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति की जानकारी देनी थी। तो 32,624 राज्य कर्मियों का वेतन रोका गया है। तो संपत्ति का ब्यौरा देना था जो कि अभी तक कर्मचारियों के द्वारा नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से इनका वेतन रोका गया है योगी सरकार के फैसले पर। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, क्या कुछ है ये पूरा मामला, क्योंकि 30 सितंबर तक ब्यौरा नहीं जारी किया गया, कई बार डेट को एक्सटेंड किया गया, उसके बावजूद सरकारी कर्मचारियों के द्वारा वेतन का संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया जाता, इसके बाद शासन की तरफ से सख्ती दिखाई गई। देखिए कुर्सी, योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पुलिस कर्मियों या फिर जितने सरकारी कर्मचारी हैं सभी को अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए कहा था। यह ब्यौरा जो है मानव संपदा पोर्टल पर जो है अपलोड करना था, और इसके लिए 30 सितंबर का समय दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद करीब 3,000 से ज्यादा जो है राज्य कर्मचारियों ने अपने चल अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं अपलोड किया है, जिस पर अब योगी सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है और अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने पर सभी कर्मचारियों पर वेतन रोक भी दिया है। इससे कहीं ना कहीं हड़कंप भी मचा है और जो लापरवाह कर्मचारी हैं उनके खिलाफ अब आने वाले दिनों में कड़ा एक्शन भी योगी सरकार ले सकती है, क्योंकि सरकार की मंशा है कि जो भी आय है, जो भी संपत्ति है, वह पूरी तरह से पारदर्शी होनी चाहिए। और यही वजह है कि योगी सरकार ने चल अचल संपत्ति का ब्यौरा अपलोड करने के लिए कहा था, मानव संपदा पोर्टल पर इसकी डिटेल जो है अपलोड होनी थी, लेकिन कुछ कर्मचारी बच रहे हैं। तो ऐसे में यह बड़ा सवाल भी है कि योगी सरकार का जो फरमान था उसे कहीं ना कहीं नजरअंदाज भी किया जा रहा है। जी बिल्कुल आसिफ, वजह क्या है, क्योंकि 32,000 ऐसे कर्मी हैं, 32,000 से ज्यादा है हालांकि, ऐसे कर्मी हैं जो संपत्ति का ब्यौरा नहीं दे पा रहे हैं, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, दिक्कत कहाँ है? इससे यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं लापरवाही भी हुई है, और यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इन राज्य कर्मचारियों के पास आय से अधिक संपत्ति है, क्योंकि लगातार राज्य कर्मचारियों के आय से अधिक संपत्ति का मामला लगातार उजागर हो रहा है। अभी फिलहाल राजधानी लखनऊ में जो छापेमारी हुई थी जल निगम के अफसरों के यहाँ, वहाँ पर भी अकूत संपत्ति बरामद हुई थी। तो ऐसे कर्मचारी हैं जो आय से अधिक संपत्ति इकट्ठा की हुई है, चाहे जिस तरह से, चाहे जो तरीका अपनाया था, और जिस तरीकों को खत्म करने के लिए योगी सरकार ने फरमान भी सुनाया था कि वह अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा दे दें, जिससे जो है इससे साफ हो, और साथ ही साथ जो आय से अधिक संपत्ति है इस पर कहीं ना कहीं सरकार कार्रवाई कर सके। लेकिन इस तरह से 3,000 से अधिक राज्य कर्मचारी हैं, 32,000 से अधिक जो कर्मचारी हैं, वह कहीं ना कहीं इस फरमान को नजरअंदाज कर रहे हैं। इससे पीछे तर्क यह किया जा रहा है कि इन राज्य कर्मचारियों के पास कहीं ना कहीं अकूत संपत्ति है जो ब्यौरा देने में घबरा रहे हैं कार्रवाई के डर से, या अपनी संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड नहीं कर रहे हैं। जी सुर्खी आसिफ, लगातार राज्य कर्मचारियों से उनके संपत्ति का डिटेल मांगा जा रहा है, इसके पीछे सरकार का उद्देश्य क्या है? देखिए सरकार का मूल रूप से उद्देश्य यह है कि जीरो टॉलरेंस की अपनी जो योगी सरकार ने अपनाई है, कहीं से कोई अकूत संपत्ति जो आय से अधिक संपत्ति हो उस पर कार्रवाई की जा सके, और उसे साफ हो जाएगा कि कौन सा कर्मचारी या अफसर ईमानदार है या फिर बेईमान है, क्योंकि उसके पास अगर किसी कर्मचारी के पास
आय से अधिक संपत्ति पाई जाती है, तो यह माना जा रहा है कि माना जा सकता है कि किस कर्मचारी ने जो है घूसखोरी के बल पर और तमाम हथकंडे अपनाकर आय से अधिक संपत्ति इकट्ठा किया है। और आप ये जो सारी संपत्तियां हैं अपलोड हो जाएंगी और इसकी सरकार अपलोड कराने के बाद जो चल अचल संपत्ति है उसकी जांच भी कराएगी कि किस कर्मचारी या अफसर के पास आय से अधिक संपत्ति आई है। हालांकि तथ्यों को छुपाया जा रहा है और इससे कहीं ना कहीं जो है बचने की कोशिश की जा रही है। तभी कुछ राज्य कर्मचारियों ने जो है अपनी संपत्ति का ब्यौरा अपलोड नहीं किया है। जी बिल्कुल, आसिफ, भ्रष्टाचार को मुक्त करने के लिए सरकार की तरफ से ये कदम उठाया जा रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ आसिफ, आपका आगे भी रुख करेंगे।